कश्मीर के पुलवामा में देश के लिए शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के प्रति मारवाड़ी सेवा समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सोमवार को गोलघर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मोमबत्ती जलाकर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में मारवाड़ी समाज के लोग और अन्य समाज से भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए शहर काजी और मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष गौरी शंकर सराओगी ने कहा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम इंकलाब। देश के लिए लड़ाई तो ब्रिटिश पीरियड से ही लड़ी जा रही थी और जिन जवानों ने उस वक्त में खून दिया था उनके लिए हम लोगों ने सदा श्रद्धांजलि दी। आज हमारे मुल्क की एक एक मिट्टी की हिफाजत के लिए, मेरा अपना वतन है इसलिए एक इंच ज़मीन के लिए भी हम जान देने वालों को सदा ही दुआ करते रहेंगे, श्रद्धांजलि देते रहेंगे, उत्साह बढ़ाते रहेंगे कि ऐसे जवान हमारे मुल्क में पैदा होते रहें और देश की हिफाजत होती रहे। गौरी शंकर सरावगी, अध्यक्ष मारवाड़ी सेवा समिति। हम लोग मारवाड़ी सेवा समिति की तरफ से आज पुलवामा में आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत की गई है उसके विरोध में अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए और शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए और इसका माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाए जिससे कि हम लोग को कुछ शांति मिल सके। बिल्कुल निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक हुई है और बिना देश में के अंदर के गद्दारों के मिले हुए यह घटना नहीं हो सकती थी। निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में ही गद्दार हैं और छिपे हुए हैं जिनका पता लगाना और जिनके खिलाफ़ कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है।